हाय एवरीवन, मैं हूं काशिफ अली। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, 216। तो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। पर सबसे पहले हमने ये समझना है कि क्यूब होता क्या है। देखिए, क्यूब और क्यूब रूट में क्या फ़र्क है, ये मैं यहाँ पर नंबर्स लेता हूँ, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा, तो ये आंसर जो होगा वो आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये 8 जो हुआ वो हुआ 2 का क्यूब, और इसका जो क्यूब रूट हुआ वो हुआ 2, ठीक है। इसी तरह 4 multiply by 4 multiply by 4, तो 4 for the 16, 16 for the 64, तो ये 4 का जो क्यूब हुआ वो हुआ 64, और ये 64 का जो क्यूब रूट हुआ वो हुआ 4। तो अभी यहाँ पे हमने, ठीक है, 216 का क्यूब रूट निकालना है। मतलब कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसी नंबर से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए, ये मतलब कि 216। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे कि छोटे से छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 को 2 1 टाइम, ये 108 टाइम्स, इसको डिवाइड करता है 54 टाइम्स, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 27 टाइम, इसको अब मज़ीद 2 डिवाइड नहीं करता, इसको 3 डिवाइड करेगा, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स, 3 को ये 3 टाइम्स और 3 को ये 1 टाइम। तो दोस्तों, इसके हमने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हमें इसके 3 3 जो एक जैसे नंबर हैं वो लेने हैं। ये 3 एक जैसे हो गए और ये 3 एक जैसे हो गए। इसको हमने एक बार यहाँ पे लिखना है, ये देखिए, एक बार इसको भी एक बार यहाँ पे लिखना है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। 2 3 the 6, जो ये 6 है वो हो गया इसका क्यूब रूट, ठीक है। क्योंकि अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 216। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये इसके जो मतलब के नंबर्स निकले हैं 3 3, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब के कोई नंबर्स ऐसे भी आ सकते हैं जिनके ये नंबर्स नहीं निकले, वो होंगे इम्परफेक्ट क्यूब रूट क्यूब्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब था 216, इसलिए इसका यही मतलब के 3 3 नंबर्स आए, ठीक है। तो आपको एक मतलब के एग्ज़ाम्स में जो भी आते हैं वो अमूमन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स ही होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे मज़ीद वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।